हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने बिना ब्लेंड करे एक ड्राइंग बनाई थी। सो उसी ड्राइंग को मैं आज ब्लेंड करके दिखा रहा हूँ। एंड देखो यार, मेरा एक अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, आप देख सकते हो, इसलिए मैं फेस कैम वीडियो बहुत कम बनाता हूँ। एंड अगर ये चेंज हो सकता है तो सिर्फ आपके सपोर्ट से हो सकता है। अभी नीचे आ गया बिकॉज पापा रूम पर आ गया, उनके सामने वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता। सो चलिए ड्राइंग को ब्लेंड करते हैं एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ब्लेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले मैं एक बहुत ही काम की टिप बता रहा हूँ आपको, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व की है ड्राइंग बनाते हुए। सो यहाँ पे मेरे पास तीन टूल है ब्लेंड करने के लिए। पहला है कॉटन, दूसरा है ब्लेंडिंग स्टम और तीसरा है ब्रश। सो इन तीनों यूज़ कहाँ कहाँ पे करना है और किस किस पेपर पर करना है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले पकड़ते हैं ब्रश को। ब्रश का यूज़ टेक्स्चर्ड पेपर या फिर रफ पेपर पर करना है, क्योंकि बात सिंपल है, अगर उसमें टेक्स्चर होगा तो ब्रश ब्लेंड करने पे ग्रेफाइट टेक्सचर में चला जाएगा और अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। और वही अगर स्मूथ पेपर पे ब्लेंड करते हो ब्रश से तो ग्रेफाइट पूरा उड़ जाएगा और लेयर चढ़ नहीं पाएगी पेपर पे। इसलिए देख सकते हो कि मैं अभी ब्लेंडिंग स्टम को यूज़ कर रहा हूँ और ब्लेंडिंग स्टम से हल्का प्रेशर पड़ता है पेपर पर, जिससे अच्छे से ग्रेफाइट अप्लाई हो जाता है पेपर पर और अच्छे से लेयर चढ़ जाती है और अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और ब्लेंडिंग स्टम का यूज़ आप कोई भी पेपर कर सकते हो, चाहे स्मूथ हो चाहे रफ हो। देख सकते हो कि अभी इतना ब्लेंड हो चुका है। एंड ब्लेंड होने के बाद ब्लेंडिंग स्टम थोड़ा ब्लैक हो जाता है ब्लेंड करने से, क्योंकि उसमें ग्रेफाइट आ जाता है। सिंपल सैंड पेपर का यूज़ करके एक्स्ट्रा ग्रेफाइट को हटा रहा हूँ। सो लगभग फेस ब्लेंड हो चुका है। ऊपर एक पीक है, देख सकते हो, जो ब्लेंड नहीं हुई है, दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। और कॉटन का भी यूज़ आप बड़े एरिया में कर सकते हो फिंगर का यूज़ करके। कॉटन को भी मैंने साइड रख दिया है, वैसे यूज़ कर सकते हो। सो ऐसे ही सिंपल हल्के हाथों से हमको ब्लेंड करते जाना है, पूरा पूरा फेस ब्लेंड करना है अच्छे से। ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं करना है, वरना पेपर ख़राब हो सकता है, क्योंकि ब्लेंडिंग स्टम का यूज़ करें हम लोग। अगर ब्रश का यूज़ करते तो पेपर को ज़्यादा डैमेज नहीं होता है, बट ब्लेंडिंग स्टम से डैमेज ज़्यादा हो सकता है, चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि प्रेशर बहुत पड़ता है। अगर ब्लेंडिंग स्टम को यूज़ अच्छे से करने नहीं आता है तो आप छोटा बड़ा ब्लेंडिंग स्टम ले सकते हो। अभी मैं इसी ब्लेंडिंग स्टम से, एक ही ब्लेंडिंग स्टम से पूरा फेस ब्लेंड किया है, बट छोटे छोटे एरिया के लिए छोटा वाला ब्लेंडिंग स्टम लेना। फेस तो ब्लेंड हो चुका है, अब हाईलाइट देने की बारी है। कोई भी रेजर का यूज़ करके हाईलाइट दे सकते हो अपने हिसाब से। सो ब्लेंड कंप्लीट हो चुका है। फेस कंप्लीट हो जाने के बाद जो भी ड्रेस वगैरह है या फिर विंटर कैप जो भी है उसको ब्लेंड कर लेते हैं। ये सब ब्लेंड हो जाने के बाद डार्क पेंसिल को यूज़ करके जहाँ जहाँ पे डार्क करना है वहाँ पे और डार्क कर सकते हैं पिक के हिसाब से। तो रिफ्रेंस फोटोग्राफ को देख रहा हूँ मैं, एंड मैं डार्क कर रहा हूँ, हाई में थोड़ा डार्क करना है, क्योंकि ब्लेंड करने के बाद कहीं कहीं जगह स्मज हो जाती है, जो डार्क रहती है वो भी लाइट सी हो जाती है। देख सकते हो एक आई को डार्क कर दिया मैंने, या इसी तरह दूसरे आई को भी डार्क कर लेते हैं। और बाकी जहाँ जहाँ पे भी डार्क करना है मैं डार्क कर लूँगा। मेन तो फेस पे ही थी वीडियो, फेस को कैसे ब्लेंड करना है, जो कि कंप्लीट हो गया है। एंड बाकी जो भी उसमें मैं टाइम लैप्स कर दूँगा अभी। सो वीडियो में इतना ही, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।